कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्ण की रसोई। तो आज राधे कृष्ण की रसोई में मैं घर के सामान से ही एक बहुत ही यम्मी सा और बहुत ही टेस्टी केक बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही सस्ते में बन जाएगा आपका। बिल्कुल भी आपकी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है और मैं उन्हीं सब चीज़ों से आपको केक बनाना बताऊँगी जो घर पर आसानी से मिल जाती हैं, जो घर पर आपके आसानी से अवेलेबल होंगी। ऐसी चीज़ों से ही मैं आपको केक बनाना बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी चॉकलेट केक है और बहुत ही बिल्कुल ना खर्चे के बराबर बना है ये। तो शुरू करते हैं हम इस केक को बनाना। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। तो आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, आप कोई भी इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं आप। उस बाउल में मैंने डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच ही बटर। ये मैंने वाइट बटर का यूज किया है, आप चाहें तो नमक वाला बटर भी ले सकते हैं। और बटर आपका ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला बटर होना चाहिए, लेकिन आजकल सर्दियों में तो वैसे भी बटर थोड़ा ज़्यादा जमा हुआ होता है। तो इसमें मैंने डाली है 3 चम्मच शुगर, चीनी पिसी हुई 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है पिसी हुई। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच से। आप देख सकते होंगे मेरा ये बटर जो है फ्रिज का नहीं है, लेकिन सर्दी की वजह से ये अच्छे से जमा हुआ है, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं बाद में जो अपना बैटर तैयार करूँगी उसमें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसे आपको अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा मिक्स करके एक साइड में रख देना है। तो मैंने अपने जो शुगर पाउडर है उसको एक साइड में रख दिया है और ये मैंने चॉकलेट के बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट का बिस्किट यूज कर सकते हैं। और ये मैंने 1 पैकेट बिस्किट का लिया है और इसको मैंने अपने मिक्सी जार में डाल दिया है। ये मिक्सी जार मेरा इसलिए वाइट हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें चीनी पीसी थी, इस वजह से ये सफ़ेद हो रहा था। तो ये देखिए मैंने अपने बिस्किट को बारीक पीस लिया है और इसको मैं एक छलनी में छानने के लिए डाल रही हूँ। तो आपको इसे छलनी में अच्छे से छानना है। अभी मैं आपको और बताती हूँ कि इसमें और क्या डलेगा। बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी चॉकलेट वाला बिस्किट आप ले लीजिए, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हमने चॉकलेट वाला बिस्किट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला मीठा सोडा, वो लिया है 1/2 चम्मच। आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं या 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर भी आपको 1/2 चम्मच डालना है, अगर आप चाहें तो इसे भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। इसमें आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गांठ है या कोई कूड़ा करकट हो तो वो निकल जाएगा। तो इन सबको मैंने अच्छे से छान लिया है और आप देखिएगा कि ये केक कितना स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। आप एक बार इसको घर पे बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में बन रहा है। अगर आप बाज़ार से बिना अंडे का केक खरीद के लाते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन घर में ये केक आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। तो ये जो मैंने अपना मिक्सर तैयार किया है, इसको मैं जो मेरा शुगर पाउडर था उसमें डालूँगी और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इनको घोलने के लिए थोड़ा सा गर्म दूध लूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो बटर है वो नहीं पिघल रहा है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा गर्म दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे कि मेरा जो बटर है वो पिघल जाएगा। सर्दी बहुत पड़ रही है और बटर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बटर बहुत ज़्यादा जमा हुआ था।
इसलिए मैंने इसको बनाने के लिए गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला, फ्रिज का दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करें। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी, एकदम बहुत जल्दी से आपको दूध नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो केक का बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ एक साइड में, आपको उसे एक साइड में ही फेंटना है, आपको उसे एक साइड में ही फेंटना है। तो आपको अपना ये केक का बैटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और दूसरा डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। और आप इसको विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरा बैटर जो है वो बहुत कम है, इसलिए मैं इसको लिए चम्मच ही यूज कर रही हूँ। अगर आपका बैटर ज़्यादा लगे आपको तो आप विस्कर की मदद से फेंटिए, वो उससे ये बहुत अच्छा फिटता है। इसे मैं सिर्फ एक चम्मच दूध और डालूँगी, उसके बाद मेरा बैटर एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ये आपको कम लग रहा है ये, लेकिन फूलता बहुत है, उसके बाद ये फूल करके ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं केक बनाने की, तो आप कम ही चीज़ों से केक बनाइए, जिससे कि आपकी चीज़ें बिगड़े नहीं। बाई चांस आप पर केक नहीं बन पाएगा तो आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। अब हमको क्या करना है कि एक भगोना या एक कढ़ाई लेनी है, वो आपको गैस पे रखनी है और उसमें आपको एक कटोरी नमक इस तरह से बिछा लेना है जैसे मैंने बिछाया है। उसके बाद आपको नमक में एक स्टैंड रख देना है, जैसे कि मैंने अपना गैस का स्टैंड रखा है। आप कोई भी बर्तन वाला स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, और उसको आप गर्म करने के लिए रख दीजिए 10 मिनट तक, उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। तब तक हम अपना जो बर्तन है केक वाला वो तैयार कर लेते हैं। मैंने ये स्टील का एक कटोरा लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के उसको चिकना किया था। उसमें मैं थोड़ा सा आटा लगा कर, आटा या मैदा कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, आटा या मैदा लगा करके चारों तरफ आपको लगा लेनी है, जिससे कि आपका केक चिपके नहीं। आप स्टील वाला बर्तन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टील वाले बर्तन में आपका केक चिपकता नहीं है और जलता नहीं है। सिल्वर का जो एल्युमिनियम का आप बर्तन लेते हैं उसमें आपका केक चिपक जाएगा और वो थोड़ा जल भी जाता है थोड़ा, उसमें स्टील वाले बर्तन में से जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैंने स्टील का कटोरा लिया है। और थोड़ा सा फेंटने के बाद मेरा जो बैटर है मैं इसमें डाल दूँगी अपने बैटर को। तो आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी रखनी है, कैसी रखनी है आपको, वो आप देख सकते हैं। तो इसको आपको चारों तरफ फैला देना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो अपना बैटर है वो बहुत कम रखा है, वो मैंने इसलिए कम रखा है, आप लोग पहले केक बनाना सीख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा कम रखें, जिससे कि आपकी चीज़ें बिगड़े नहीं। तो अब आपको अपना जो कटोरा है दो तीन बार आपको ज़मीन पे टैप कर देना है, जिससे कि वो अच्छे से उसकी जो एयर है वो उसमें ना रहे। और उसके बाद जो मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था अपना बर्तन उसमें मैं अपने केक के कटोरे को रख दे रही हूँ और उसका ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। इसको 45 मिनट के लिए बेक करना है बिल्कुल धीमी गैस पर। 45 मिनट हो चुके हैं और हम अपना केक अब देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना थोड़ा सा था पहले और कितना फूल गया है। हमारा केक एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है, बिल्कुल कम चीज़ों से, बिल्कुल कम लागत में ये बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से ये फूल गया है। अब मैं इसको इस भगोने में से निकाल लूँगी, हाथ से इसको नहीं पकड़ें, कोई ये वाला बर्तन आप बिल्कुल भी हाथ से नहीं पकड़ें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप इसे किसी पकड़ से या किसी कपड़े से ही पकड़ें, हाथ से बिल्कुल भी ना पकड़ें। तो मैं इसको पकड़ के मदद से इस कटोरे को बाहर निकाल रही हूँ और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप ठंडा होने दीजिए, जिससे कि ये आसानी से इसे कटोरे में से प्लेट में निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट आपको उल्टी करनी है और उस पर आपको ये केक अपना निकाल लेना है। अगर केक नहीं निकल रहा है आपका बर्तन में से तो थोड़ा सा साइड में चाकू लगाइए और इसको निकाल लीजिए। मैं चाकू की मदद से अपने केक को निकाल रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल निकल चुका है मेरा केक, और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और कितना जालीदार आया है। ये पीला कलर आप देख रहे होंगे तो ये मैंने आटा लगाया था, सूखा आटा, वो आ गया है इसमें।
तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है मेरा केक। तो अब हम अपने केक पर शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पानी आपको गुनगुना करना है, थोड़ा सा गर्म, और उसमें आपको अपनी चीनी थोड़ी सी, एक चम्मच चीनी डाल के घोल लेनी है। वही शुगर सिरप है, तो ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी, बहुत थोड़ा सा डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 1 से 1.5 चम्मच आपको शुगर सिरप डालना है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसे चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है। चॉकलेट मेल्ट आप गर्म पानी में, आप एक कटोरी रखिए और उसमें आप अपनी चॉकलेट डाल दीजिए, तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी सीधे। आपको गैस पर अपनी चॉकलेट मेल्ट नहीं करनी है। और इस चॉकलेट में मैंने 1 से 1.5 चम्मच वाइट बटर डाला था, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है मेरी चॉकलेट में। तो मक्खन से क्या होता है कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो मैंने 1 चम्मच इसमें मक्खन भी मेल्ट किया हुआ है। तो अब हम अपनी चॉकलेट को केक के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। चारों तरफ इसको अच्छे से फैला देना है आपको, बिल्कुल। मैं कोई भी, मैंने बाज़ार का ऐसा कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं किया है कि जो आपके पास ना हो, मैंने वही सब यूज किया है जो आसानी से घर पर मिल जाता है। तो अब केक बनाना बहुत ही आसान होने वाला है घर पर, घर की ही चीज़ों से। आप चाहें तो इसमें व्हिप्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास व्हिप्ड क्रीम नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर चॉकलेट लगाई है। वैसे भी आज हम चॉकलेट केक बना रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर सिर्फ चॉकलेट का ही यूज किया था। अगली बार मैं आपको व्हिप्ड क्रीम से केक बनाना बताऊंगी। तो चॉकलेट मैंने अपने सारी चॉकलेट आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है ये चॉकलेट केक। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आपको चारों भाग की तरफ इसके जो है चॉकलेट फैला देनी है। आपको कोई भी पॉलीथीन से एक कोन बना लेनी है, जैसे हम पहले मेहंदी के लिए कोन बनाते थे, उस तरह से आपको कोन बना लेनी है। उसमें आप, अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप व्हिप्ड क्रीम भर लीजिए, अगर आपके पास व्हाइट चॉकलेट है तो आप व्हाइट चॉकलेट भर डाल लीजिए, और उसके चारों तरफ जैसे मैंने इस पर ऐसे डाला है वो आप डाल सकते हैं। तो मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया ये वीडियो, और उसके ऊपर आपको चेरी डाल देनी है। मैंने इसमें व्हाइट बटर डाला था और कौन से इसके चारों तरफ ऐसे ही डाल दिया है। आप कुछ भी, हैप्पी बर्थडे भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से सामान से इसको बनाया है, और इस पर मैं चारों तरफ चेरी लगा रही हूँ। डेकोरेशन तो आपके हाथ में है, आप किसी भी तरह से आप इस डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अब इसके चारों तरफ चेरी लगा देंगे, तो ये केक आपका बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ये केक आप ज़रूर बनाकर अपने घर पर खाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बना है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना है ये केक। और आपके पास सजाने के जो भी सामान हो आप उसमें यूज कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप चेरी ही यूज करें या वाइट बटर या व्हिप क्रीम ही यूज करें। आप इसके ऊपर चॉकलेट भी कद्दूकस करके डाल सकते थे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है ये केक, तो मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं काटने में ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी लग रहा है। आप जब इसका टेस्ट चखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा, जैसे आप बाज़ार से जो चॉकलेट केक लाते हैं उससे भी ज़्यादा आपको ये टेस्टी लगने वाला है। तो और आप देख सकते थे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बैटर डाला था और ये कितना फूल गया पकने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पर यह केक बनाकर ज़रूर खाइए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।